एग्जांपल नंबर 3 है, फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 5x² - 6x - 2 = 0 बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है, इसके रूट्स फाइंड करना है। टू रूट्स फाइंड करेंगे हम, 5x² - 6x - 2 = 0। एक तो ये मेथड है कि अगर a की वैल्यू 1 से ग्रेटर होगी तो उस केस में हम उस पर्टिकुलर नंबर से पूरी इक्वेशन में डिवाइड करेंगे। दूसरा मेथड ये है, अगर यहाँ पर a, यहाँ पर जो भी वैल्यू होगी, जैसे 1 से ग्रेटर 2, 3, 4, 5 जो भी है, इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे यहाँ 5 है, 5 से मल्टीप्लाई, पूरी इक्वेशन में 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये 25x² हो गया, माइनस ये 5 से 30, 5 से 10 ये हो गया। इसके बाद 25x² को हम क्या लिख सकते हैं, 5x² लिख सकते हैं, माइनस 2a, ये a लिखेंगे, ये a है हमारे पास a, 5 से 10 10 × 3 करेंगे तो 30 हो जाएगा, तो ये यहाँ 3 लिख देंगे, ये 30x हो गया। प्लस अब हम क्या करेंगे, ये b हमारे पास है, b² हम ऐड करेंगे, उसके बाद b² हम सबट्रैक्ट करेंगे, ये हो गया माइनस, ये कांस्टेंट नंबर लिख देंगे, 5x - 3² ये a² - 2ab + b² लिखा हुआ है, तो a - b का फार्मूला हो गया ये 5x, ये a है और ये हमारे पर b है, ये इन ब्रैकेट 5x - 3² - ये 9 हो जाएगा, ये 10, ये 19 हो जाएगा, -19 को हम √19 लिख सकते हैं, √19² a² - b² फार्मूला है। अब क्या होगा, a² - b² a + b फर्स्ट ब्रैकेट, नेक्स्ट ब्रैकेट a - b होता है, तो हम ये a हमारे पास, ये b है, तो a + b a - b लिख दिए, = 5x - 3 + √19 = 0। इसको हम ट्रांसपोज कर देंगे, ये माइनस इधर आके प्लस, ये प्लस इधर आके माइनस हो जाएगा, तो x = 3 - √19 / 5, ये 5 यहां डिवाइड हो जाएगा। देन आफ्टर 5x - 3, यहां पर आप देख सकते हैं 5x - 3 - √19 = 0, इसको हम लेंगे = 0। 5x = इसको हम ट्रांसपोज करेंगे प्लस हो जाएगा, इसको ट्रांसपोज करेंगे भी प्लस हो जाएगा, x = 3 + √19 / 5 / ये 5 हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास दो रूट्स है, x = 1 रूट यहाँ पर है, दूसरा रूट यहाँ पर है, दो रूट्स इस तरह हमने फाइंड आउट कर लिया है।